नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत श्याम यनपुरे है। मेरी उम्र 28 साल है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम तमिश्वलन, उम्र 30 साल का हूँ, मैं तमिलनाडु का हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मंदार मिलिंद वर्लीकर है, मैं 26 साल का हूँ और मैं महाराष्ट्र से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नवीन सिंह है, मैं 27 साल का हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रणव कुमार है, मैं 22 साल का हूँ, मैं बिहार से हूँ। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये वीडियो मैं हमारे वतन वापसी के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं चबहार से बना रहा हूँ जो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में है। हाँ, ये वही चबहार है जहाँ पे अपने हिंदुस्तान ने 200 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट लिया गया है। यहाँ पे हम लोग सर पिछले 400 दिन से हम लोग जेल में थे। हम लोगों को एक झूठी केस में फंसाया गया था सर, हमारे एजेंट्स और शिप ओनर की वजह से हम लोग इस केस में फंसे गए थे। हम लोग लगभग 400 दिन निर्दोष होके जेल में कैद थे और हम लोग को रिहा कर दिया गया 9 मार्च 2021 में। हम लोग यहाँ पे निर्दोष पाने के बाद भी, ठीक है सर, हम लोग करप्ट नहीं थे ना, हम लोग कोई गलत काम किए थे। यहाँ पे भी हमने अपने हिंदुस्तान का नाम बरकरार रखा है सर, हमने कुछ भी गलत काम किया नहीं है। लेकिन फिर भी रिहा करने के बाद हम लोगों को ना ईरान ऑफिशियल्स ने कोई हमारे पासपोर्ट दिए है, ना कोई हमारे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। हम लोग यहाँ पे सर, हम लोग की हालत एक जानवर की तरह हुई है, जहाँ हम गली के ठोकर खा रहे हैं। ना हमारे हाथ में पैसा है, ना हमारे पास कुछ भी नहीं है सर कि कम्युनिकेशन के लिए हम लोग किधर किधर से लोगों से मदद मांगते हैं तब जाके किधर मदद मिलती है सर। यहाँ पे हम लोग के पास ना पासपोर्ट है, जैसे मैंने कहा ना पासपोर्ट है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स है। तो सर हम सबके जान को यहाँ पे खतरा है सर, कुछ भी हो सकता है सर हम लोग के साथ। बिकॉज जब हम लोग को रिहा कर दिया गया सर, तब ईरान ऑफिशियल्स ने ना अपने एम्बेसी को कोई इन्फॉर्म किया, ना कोई डॉक्यूमेंट्स दी, ना उन्हें कोई सूचना दी। और इसी दौरान हम लोग के पास कोई पैसे भी नहीं थे, ना कोई डॉक्यूमेंट्स है, जहाँ जाके हम लोग कुछ लैंड जॉब कर रहे सर, कुछ जमीन पे काम कर रहे, थोड़ा बहुत पैसा कमा सके हम लोगों के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं ना, क्योंकि हम लोग के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है सर। यहाँ पे सर मैं एक और बात आपको कहना चाहूंगा कि ये जो इंडियन एजेंट्स है, ये हम जैसे बच्चों को फंसा के ईरान में भेज देते हैं, जैसे हम लोग के साथ सबके साथ हुआ है सर। हम लोग को फंसा के यहाँ भेजा गया है। तो आपसे ये विनती है कि ये इंडियन एजेंटों के साथ भी सर, उनके ऊपर आप कोई सख्त से सख्त कार्रवाई कर लो सर, ताकि हम लोगों की तरह आगे में कोई यहाँ फंसे नहीं। क्योंकि सर हम लोग की हालत यहाँ पे बहुत बहुत खराब है। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सर कि हम लोग की वतन वापसी कर दो प्लीज सर, बिकॉज यहाँ पे हम लोग की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दिन ब दिन खराब होते जा रही है। मैं आपसे यही विनती करूंगा सर कि आप ईरान गवर्नमेंट से संपर्क करके या अपनी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जो तेहरान में है, उनको बोल के हमारी वतन वापसी करवा दो सर, प्लीज सर। हम सब आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं सर कि हमारी वतन वापसी कर दो। हम लोग की हालत यहाँ पे बहुत खराब है सर। जय हिंद, धन्यवाद सर। शुक्रिया सर।